राजा बलि के द्वार पर भगवान तीन पग भूमि लेने आए। राजा बलि के यहां भगवान क्या लेने आए? तीन पग भूमि। और तीन पग में पहले पग में राजा बलि से पाताल नाप लिया, दूसरे पग से राजा बलि से सत्यलोक नापा, तीसरा पग कहां रखे तो राजा बलि के मस्तक पर रखा। राजा बलि दानी थे इसलिए दानियों के घर भगवान भिक्षा लेने आ जाते हैं। जो देना जानता है ना भगवान उसके घर लेने आ जाते। इसलिए आपको भी ईश्वर ने देने के लायक बनाया तो देना सीखिए, क्योंकि जिन जो देते हैं वो बड़े होते हैं और बड़े होते हैं तो भगवान उनके घर आते हैं। राजा बलि के घर बामन भगवान आए। राजा बलि से भगवान चाहते तो सब यूं ही लड़कर जीत लेते, पर ना भिक्षा लेने आए। राजा बलि पर भगवान ने कृपा की, तीसरा पग माथे पर रखा। हम तो आपसे ये कहते हैं, अच्छा बताओ लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? जोर से। इसलिए वामन भगवान छोटे बनकर आए, क्योंकि लेना था और लेने वाला छोटा होता है। भगवान ही क्यों ना हो छोटे बनकर आते हैं। राजा बलि को बड़ा बनाया, बड़ा होता है देने वाला। और भगवान से आप लोग हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। और राजा बलि के इस प्रसंग में ये कहो, बोलो हे नाथ, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु मुझे देने वाला बनाइए। हे नाथ मुझे देने वाला बनाइए। बस आप भगवान से इतनी प्रार्थना रोज करना कि विधाता मुझे देने वाला बनाओ, मैं देना जानू। बस देने वालों की लिस्ट में मेरा नाम हो, लेने वालों की लिस्ट में नहीं। क्योंकि लेने वाले बड़े नहीं, देने वाले बड़े होते हैं। लेना है तो भगवान ने तो आपको दिया है, अब तो भगवान से ये कहो कि विधाता इतना दो कि मैं सदा देता रहूं। देते देते कभी मेरे हाथ दर्द ना करे, देते देते कभी मेरे अंदर ये भाव ना जागे कि मैं दे रहा हूं। क्योंकि देनहार तो कोई और है, देनहार कोई और है। हम क्या दे रहे हैं अपने से? हमें जो दिया, नदी अपने से थोड़ी पानी देती है। नदी को देने वाले हिमालय ने दिया तो नदी देती, हिमालय देना बंद कर दे नदियों को तो नदियां सूखी पड़ी। तो जब तुम्हें ऊपर से दिया जा रहा है तो तुम भी देना सीखो। और भगवान से कहो विधाता बस हम देना जाने, और आप भी अपने बच्चों को देने वाला बनाओ। भगवान ने वामन बनकर राजा बलि पर कृपा की, भगवत धाम को गए, बलि पर कृपा करके पाताल का राजा बनाकर मत्स्य अवतार लेकर भगवान आए और अपनी लीला को पूरा किया। भगवान सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से इन्हीं के वंश में फिर नभक, नभक के नाभाग अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया, इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा सगर, सगर के असमंजस अंशुमान दिलीप भगीरथ जिन्होंने गंगा को प्रकट किया, फिर खटमांग दीर्घबाहु, फिर इन्हीं के वंश में रघु अज, फिर दशरथ। दशरथ जी के चार पुत्र हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चारों बड़े हुए। राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी गए, ताड़का का उद्धार करके गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। राम जी आगे चले, सिया स्वयंवर में पहुंचे, धनुष भंग करके सीता जी से विवाह हुआ, चारों भैयों का विवाह हुआ। राम जी को 14 वर्ष का कैकेयी माँ ने वनवास दिया। भगवान वनवास चले, केवट से नाव मांगी और नाव में बैठ के पार लगे। चित्रकूट में राम जी रुके, भरत जी मिलने आए, चरण पादुका लेकर भरत जी वापस आए। राम जी पंचवटी गए, रावण ने सीता माँ का हरण किया और जटायु ने रक्षा करने का प्रयास किया। सबरी पर कृपा, सुग्रीव पर कृपा करते हुए लंका की ओर हनुमान जी गए, सीता माँ का पता लगा कर आए। सेतु का निर्माण हुआ और राम जी ने रावण को मारकर सिया को लेकर के पुष्पक विमान में बैठ करके रावण आदि दुष्टों को मार करके और राम जी आए, भरत जी से मिले, राम जी राजा बने और सिया जी रानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।